देखो, दवाई कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी डोज जो होती है अपने को नहीं पता, उसके साइड इफ़ेक्ट अपने को नहीं पता होता है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो ये जो टेबलेट है ना, जीरोडोल CR, इसके अंदर जो साल्ट आता है वो ऐसे क्लोफेनाक आता है। ठीक है, जैसे आप एक एनाल्जेसिक के रूप में जानते हैं, मतलब कि ये दर्द को कम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, और ये आपको 200 mg की टेबलेट है। इसमें मतलब अगर आप देखो तो एक टेबलेट के अंदर 200 mg ऐसे क्लोफेनाक आता है। ठीक है, इस टेबलेट का जो यूज़ होता है ना, वो दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, चाहे दर्द किसी भी प्रकार का हो, जैसे चाहे सिर का दर्द हो या फिर हाथ पैरों में दर्द हो, जॉइंटों में दर्द हो, अर्थराइटिस का दर्द हो या फिर और भी किसी प्रकार का दर्द हो, तो उसमें ये टेबलेट दी जाती है। ठीक है, और ये क्या है कि एक NSAID ग्रुप की दवाई है, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। मतलब ये स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन ये बुखार को मतलब कम ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर बुखार को कम करने के लिए दिया जाता है। ये माइल्ड फीवर होता है, उसको कम करने का काम करता है, इसके साथ ही इन्फ्लामेशन को कम करने का भी काम करता है। और जो इसका जो मेन जो होता है ना यूज, वो होता है कि जो पेन होता है ना, दर्द जो होता है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, और ये एक NSAID ग्रुप की दवाई होती है, जैसे डाइक्लोफेनाक होती है वैसे ही ऐसे क्लोफेनाक होती है, मतलब दर्द को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, एनाल्जेसिक होती है, लेकिन जैसे डाइक्लोफेनाक और ऐसे क्लोफेनाक सेम ग्रुप की है, लेकिन जो डाइक्लोफेनाक है वो क्या है कि गैस्ट्रिक इरीटेशन ज़्यादा करती है, इस वजह से जो ऐसे क्लोफेनाक है वो ज़्यादा दी जाती है, इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, ये थोड़ा नुकसान कम करती है। दूसरी चीज़ करते हैं कि इसकी डोज़ वगैरह क्या होती है। देखो, इसकी जो डोज़ होती है ना, वो आपका डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के आधार पर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, बाकी इसकी जो नॉर्मल डोज़ होती है वो एक टेबलेट आप ले सकते हो पर डे की, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2 टेबलेट ले सकते हो सुबह शाम खाना खाने के बाद। ठीक है, और बाकी अगर जो ये टेबलेट है वो किन पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, देखो जैसे जो कोई भी अगर महिला प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंट महिला है, उसको नहीं दी जाती है टेबलेट। साथ में अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध वगैरह पिलाती है तब भी ये टेबलेट नहीं दी जाती है। और अगर किसी को ऐसे क्लोफेनाक से या डाइक्लोफेनाक से एलर्जी है, ठीक है, तब भी ये टेबलेट उसको नहीं दी जाती है। और इसको ज़्यादा दिन तक भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे नॉर्मली इसको 3 या 4 दिन तक दिया जाता है, मैक्सिमम आप 5 दिन तक ले सकते हो, बाकी लंबा नहीं चलाना चाहिए, और ज़्यादा लंबा इसको डॉक्टर चलाते भी नहीं है। ठीक है, और बाकी फिर जैसे पेशेंट की कंडीशन के आधार पर डॉक्टर इसकी डोज रख सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जीरोडोल CR है और इसके अंदर साल्ट कौन सा आता है और किस तरह से होती है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और देखो, दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए या फिर किसी अच्छे फार्मासिस्ट की सलाह से लेनी चाहिए, मतलब कोई भी फार्मासिस्ट हो उसकी सलाह से या फिर डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए।